हेलो एवरी मॉर्न यस वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम इन दटास्क डॉट कॉम चलिए सो आई होप कि अभी तक आवाज़ प्रॉपर क्लियर है जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं सो प्लीज़ एक बार कन्फर्म कीजिएगा दैट ऑड इवेंट वीडियो बोथ हर क्लियर सो आई होप के एवरी थिंग इज फाइन और सभी को मालूम है कि दोपहर के एक बज चुके हैं और दोपहर के एक बजे हम लोग मंडे टू फ्राइडे एस एस सी के लिए इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है सो इसमें अभी तक हम लोग टोटल चार पार्ट कवर कर चुके हैं और इससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे थे उसमें अराउंड हम लोग थर्टी फाइव या थर्टी सिक्स जो है पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है तो ये डेली होता है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे आपके स्पेशल मैराथन सेशन है जो आपके रात में नौ बजे से शुरू होते हैं ठीक है सो so, इन सभी सेशन में जुड़ते रहिए बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए टेक्सट बुक के साथ ठीक so, है सो आई होप की सभी लोग तैयार हैं और हम लोग शुरू करें आज के सेशन को अच्छा आगे जाने से पहले एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि गाइज uh, uh, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन के दो दोपहर तीन बजे uh, टेक्सट बुक एप्लीकेशन पर uh, टेक्सट बुक के मास्टर क्लास के लिए ठीक है तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इनरोल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक uh, याद रखिएगा सुपर कोचिंग कोर्सेज को और इस समय इंडिया के जो भी बेस्ट सुपर टीचर्स हैं वो सभी इसमें अवेलेबल है सो यूज़ कीजिए कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और आज ही इनरोल करें बाकी मेरे हर एक सेशनस की जो पी डी एफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेट सिर्फ सर बुक ठीक है सो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर आई होप की जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी ने सेशन को अपनी अटेंडेंस मार्क कर ही दी होगी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा ठीक है so, सो चलेगा सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे इन टेनिस हु वन द इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया इन जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यस विकास वंशिका आकांक्षा भविष्य वॉरियर यस सभी को गुड आफ्टरनून गाइज ठीक है सभी को गुड आफ्टरनून महापात्रा यस वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है सो इन टेनिसन दिल इंटरनेशनल

सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है और द फेमस प्लेयर ऑफ द टेनिस रॉजर फेडर रिसेंटली डिक्लेय दर रिटायरमेंट अभी ऑलरेडी आपने मालूम होगा कि जो रॉजर फेडर है उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है तो वो भी जरूर एक बार देख के चले जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी ऑल्सो नोन एज द लुकड़ी देवी पास अवे इन जेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सी द पद्मश्री अवार्ड इन विच ईयर ठीक है तो इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था यह निम्नलिखित में से किस ईयर में मिला था यह आपको बताना है तो सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है का जनवरी 2022 में निधन हो गया उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सो विच ऑप्शन इज राइट इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग किस ऑप्शन के लिए जाएंगे सो द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज अ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज राइट ठीक है सो इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पी एम मोदी कन्फर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट यूजिंग ब्लॉक्स एंड टेक्नोलॉजी टू द विनर्स ऑफ द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इंजैंड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हाउ मेनी कैंडिडेट गेट द अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ डिजिटल मैनर दट इज अ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो टोटल कितने श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं है? हाँ और जो टोटल कैटेगरीज के, के जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है इन हाउ मैनी टू कैटेगरीज ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करंट अफेयर अगर हम लोग देखने जाए देखो एस एस सी जेई में एस एस सी जेई में टोटल दे रहा है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन टोटल पचास क्वेश्चन है और इस पचास क्वेश्चन में कम से कम आप याद रखेगा दस से बारह क्वेश्चन दे केम फ्रॉम द करेंट अफेयर तो कम से कम दस से बारह क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं और एटलीस्ट आप ये कम से कम आठ से दस महीने का तो पढ़ के जाइए ठीक है एटलीस्ट आठ से दस महीने का पढ़ के जाना पड़ता है तो पूछा किया गया है कि ऑफ द टॉप टेन विलेजेस सिलेक्टेड अक्रॉस द कंट्री अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना हाउ मेनी बिलोंग टू ओल्ड करीम नगर एंड निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर में चुने गए शीर्ष दस गांवों में से कितने तेलंगाना के पुराने करीमनगर और निजामाबाद जिलों से स्थित है और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है देर आर टोटल हाउ मैनी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कंपनी की वैश्विक क्षमताओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में लाने के लिए सिडनी uh, ऑस्ट्रेलिया uh, में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया है ठीक है सो जरा बताइएगा कि ये कौन है मतलब जिनके द्वारा डिजिटल गैराज लॉन्च किए गए हैं दो कंट्रीज में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सॉरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक ही कंट्री में लॉन्च किया गया है कोग्निजेंट विप्रो एस सी एल टेक्नोलॉजीज ठीक है या फिर टी सी एस और इसमें से जो राइट right आंसर हो जाएगा दट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है याद रखेगा दटेजा टी सी एस इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला सवाल है कि विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ चंद्रशेखर आजाद वॉज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी सेवंथ फैव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो सत्ताईस फरवरी दो हजार बाईस को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पुण्य तिथि मनाई गई है कौन सी पुण्य तिथि मनाई गई है यह पूछा गया है मतलब एट्टी सेवेंथ है एट्टी नाइन्थ है नाइन्टी फर्स्ट है नाइन्टी थर्ड है इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट दैट इज द नाइन्टी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि नाइन्थ श्रीलंका इंडिया ठीक है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज ट is that is a विच began in which city in March 2022. तो पूछा जा रहा है कि जो नोवा श्रीलंका और भारत का नौसेना नौसेनाभ्यास है जिसका नाम सिलीनेक्स है, है ये मार्च 2022 हजार बाईस में आ, किस शहर में शुरू हुआ रांची के लिए जाएंगे कोची के लिए जाएंगे विशाखापत्तनम के लिए जाएंगे या फिर जामनगर के लिए ठीक है ये आपको बताना है सो so, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन थ्री इज द राइट ठीक है अगला सवाल है कि हाउ मैनी इंडियन जूनियर बॉक्सर्स हाउ मेनी इंडियन जूनियर बॉक्सर्स क्लेम्ड द गोल्ड मेडल एट द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ए एस बी सी एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अंडमान ऑन थर्टींथ मार्च 2022 तो देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने 13 मार्च 2022 को अम्मान जॉर्डर में 2022 हजार एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं तो चार होगा पांच होगा छह होगा या फिर सात इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है इसका करेक्ट आंसर आप क्या टिक करने जाएंगे और इसमें से जो सही आंसर है दट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो पूछा गया है कि एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते गए दैट इज द दिक्स ठीक है अगला क्वेश्चन रामनाथ कोविंद ने रामनाथ जो हमारे प्रेसिडेंट थे फॉर्मर प्रेसिडेंट उन्होंने 2022 में कितने पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं तो अवार्ड्स की संख्या पूछी गई है कि हाउ मेनी अवार्ड्स अलोकेटेड बाई द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू uh, एट फिफ्टी फोर टोटल आई होप की बहुत क्लियर सी बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा चार पद्म भूषण पद्म भूषण सत्रह और एक सौ सात पद्मश्री ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण को पचास परसेंट पर सीमित कर दिया तो ये आपको कमेटी का नाम बताना है एस आर आ, बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रकाश राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नवजेत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है so, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है इंद्रा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मिडिल यूनिट ऑफ थ्री टीयर पंचायत सिस्टम ठीक है थ्री टीयर होप क्या आपने पढ़ी होगी तो हम लोग इसमें अशोक मेहता समिति के बारे में बात करेंगे अशोक मेहता और दूसरी है कौन सी बलवंत राय बलवंत राय ठीक है हाँ ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद या ग्राम सभा यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है पंचायत समिति इज द राइट right आंसर तो यहां पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है तो याद रखेगा थ्री टीयर स्ट्रक्चर होता है और चौबीस अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी अप्रैल को आईओप की सभी को मालूम होगा और ये जो ऐड किया गया था इलेवेंथ अमेंडमेंट था हमारा ग्यारहवा संशोधन था याद रखिएगा ग्यारहवां संशोधन और ये कब हुआ था वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए 1993 में ठीक है 1993 में अगला सवाल है कि आ, नेशनल वाटरवेज वन कनेक्ट ठीक है तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है ये निम्नलिखित में से किसको कनेक्ट करता है अलाहाबाद से हल्दिया आ, शदिया से डुबरी और कोल्लम से कोटापुरम और काकीनाडा से पुडुचेरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है तो ये आपका कौन सा है आ, ये आपका नेशनल वाटर वे वन है और अभी आपको मालूम है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट क्रूज शिप है ये भी शुरू की गई है इंडिया लार्जेस्ट ठीक है क्रूज से तो ये भी अब शुरू की जा रही है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में ठीक है और ये जो शुरू की जाएगी कहाँ से वाराणसी से लेकर के ये भी कहाँ तक बोगी बेल तक ठीक है तो ये भी अपडेट एक बार जरूर पढ़ के चले जाएगा ठीक है हाँ सो इसका जो राइट हाँ सेकेंड जो है याद रखेगा देट इज अडिया से डुबरी तो ये आपका सेकेंड वाटर है ठीक है ये सेकेंड वाटरवे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज कंट्री ऑफ साउथ एशिया तो साउथ एशिया की सबसे अर्बनाइज कंट्री के बारे में आपको बताना है कि दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है नगरीकृत देश मतलब इसमें भारत है भूटान है श्रीलंका है या फिर पाकिस्तान है तो किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे इसमें से आप करेक्ट आंसर किसको टिक करेंगे ठीक है और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज भूटान इज राइट ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे वो क्या हो जाएगा दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विंड डिफ्लेक्ट वर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न ड्यू टू द अब ये आपने एक फोर्स पढ़ा होगा जो इस तरीके से काम करता है ये याद रखिएगा परपेंडिकुलर यानी कि भूमध्य रेखा के परपेंडिकुलर काम करता है और पोल के बिल्कुल पैराल होता है ठीक है तो ये इस तरीके से वर्क करता है तो यहां पर अगर मैं देखने जाऊं तो ये कैसे हो जाता है आ, ये इस तरीके से और न, न, मतलब किसमें नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल में तो ये किस तरीके से याद रखेगा टूअर्ड्स द राइट टूवर्स द राइट काम करता है और यहां पर ये किस तरीके से काम करता है तो याद रखेगा टूअर्ड्स द लेफ्ट ठीक है टूवर्स द लेफ्ट ये साउथ पोल तो ये साउथ पोल हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया इस तरीके से ये काम करता है ठीक इस right, right है इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है कोरियोलिस फोर्स इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग टॉम्ब इज लोकेटेड इन इब्राहिम बाग ठीक है तो जरा बताइएगा कि uh, जो इब्राहिम बाग में निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा स्थित <coughs> है ऑफ तानसेन है टॉम्ब ऑफ हिमायू uh, है कुतुब शाही टॉम्ब है या फिर uh, सफदर जंग का मकबरा है इसमें से हम लोग uh, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ये आपको कंफर्म करना है विच ऑप्शन इज राइट तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट दैट इज इज द राइट आंसर ठीक है इज इज द राइट आंसर ठीक ठीक है है ऑप्शन करेक्ट अगला क्वेश्चन है कि वैन इज वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड ठीक है तो ये जो विश्व अल्पसंख्यक दिवस है ये कब मनाया जाता है सत्रह uh, सेप्टेम्बर को उन्नीस uh, uh, दिसंबर को और सोलह दिसंबर को या फिर चार दिसंबर को ये अठारह दिसंबर को तो इसका सही आंसर क्या होगा किस ऑप्शन के साथ जाओगे ठीक है so सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर ऑप्शन यस दैट इज ऑटीन हाँ दिसंबर ठीक है सो इसमें से जो राइट right आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो जलियावाला uh, बाग के नाम से जाना जाने वाला uh, मंगर धाम है uh, राजस्थान के किस जिले में स्थित है राजसमंद uh, बंशवाड़ा डूंगरपुर या उदयपुर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वाला इज द राइट आंसर ठीक है तो ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ठीक है चलिए अगला सवाल है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉट द पॉलिसी ऑफ तो एक व्यक्ति एक राज्य और एक नेता ये निम्नलिखित में से किसकी पॉलिसी हुआ करती थी ठीक है स्टालिन की लेनिन की हिटलर की या मुशोलोनी सो so, ये जो फिलासफी है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर और इट वॉज द फिलासफी ऑफ हिटलर ठीक है ऑप्शन थर्ड इज राइट ठीक है ऑप्शन थर्ड इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें इससे पहले मिस्टर डोंग बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जितने भी लोग हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किए सो प्लीज मार्क द अटेंडेंस और बाकी टेक्स्ट बुक आप सुपर कोचिंग को जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन एक कंप्लीट प्रिपरेशन किट ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बहुत ही कम प्राइसिस में एंड फॉर द डिस्काउंट यूज द कूपन कोड एस ठीक है अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था तो अभी आपने पढ़ा होगा कि एक अम्बेडकर जा रहा है और दैट इज द फोर्थ सर्किट आफ्टर और बुद्धा और नॉर्थ ईस्ट तो अभी हमारे देश में रामायण सर्किट था बुद्धा सर्किट था नॉर्थ ईस्ट था अब अम्बे अम्बेडकर सर्किट की शुरुआत हो रही है तो इसमें फोर प्लेसेस को कवर किया जाएगा जो चार स्थान हैं उनको कवर किया जाना है एक जन्म याद रखेगा भूमि कवर की जाएगी ठीक है जन्मभूमि दूसरी है याद रखेगा दीक्षा भूमि तीसरी की अगर मैं बात करने जाऊं तो है याद रखेगा महापरिनिर्वाण निर्वाण भूमि महापरी महा परि निर्वाणा भूमि और लास्ट में जो है दैट इज अ चैत्या भूमि लास्ट में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं चैत्या भूमि तो जन्मभूमि कौन सी है दैट इज अहो मध्य प्रदेश ठीक है दैट इज अ महो मध्य प्रदेश बाकी सभी मैं लिख देता हूँ काफी काफी काम किए थोड़ा सा अच्छे से देख के चले जाएगा और ये टॉपिक हंड्रेड परसेंट पूछा भी जा सकता है आपको दूसरा जो आपने पढ़ा होगा कि एक जो प्लेस है सेकेंड प्लेस है जो इस समय अम्बेडकर सर्किट डेवलप करने वाले हैं सरकार केंद्र सरकार दीक्षा जो भूमि है ये इनको जो प्राप्त हुई याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रहती है जहां पर इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया डेजा नागपुर तो यहाँ पर बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है सो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में ठीक है और इनका जो चैत्या वर्षिफ हॉल है वो कहाँ पर स्थित है मुंबई में ठीक है मुंबई में तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर टिक करोगे डरेजा ऑप्शन थ्री एम पी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एम पी छोड़ बाकी अदर सब्जेक्ट कितने उसके आते हैं ये ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है एक बार आप एक बार प्ले चेक कर लीजिएगा ठीक है प्ले में मैंने हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं ये प्रॉपर स्ट्रेटजी सेशन डाले हुए हैं और अराउंड मैंने दो या तीन स्ट्रेटजी सेशन कवर किए हुए हैं सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ठीक है प्लीज चेक द प्लेलिस्ट अगला क्वेश्चन है द वीकली न्यूज़पेपर प्रभाकर ठीक है तो न्यू वीकली न्यूज पेपर प्रभाकर वॉज स्टार्टेड बाई तो ये एक यस आकाश वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है तो ये जो वीकली न्यूज पेपर था प्रभा, प्रभाकर ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था भाऊ बुआ ब्रह्मचारी भाऊ महाजन या लोकहितवादी और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है दैट इज अव महाजन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज सेटअप मैक्सिमम सोलर पंप अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने मैक्सिमम सोलर पंप स्थापित किए हुए हैं और ये जो स्थापित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत यूपी में राजस्थान में मध्य प्रदेश या बिहार में सो किस राज्य में सबसे ज्यादा सोलर uh, पंप जो स्थापित किए गए हैं दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट और आपको मालूम होगा कि सौर पंप के लिए एक प्रोग्राम है जो स्कीम है और इसके तहत एक सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं जिसका नाम है कुसुम ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो कुसुम प्रोजेक्ट है ठीक है इस कुसुम प्रोजेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जरूर जाना है ठीक है अगला सवाल है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है एस जयपाल रेड्डी हैं, एम वीरप्पा मोइली हैं और वायलर रवि हैं या धर्मेंद्र प्रधान है यस yes, आसू जी नमस्कार वेलकम सो so, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की बात कर रहे हैं और ये किसके पास इस समय धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन फोर इज राइट right. ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो साउथ अमेरिका में स्थित नहीं है चिली है पराग है मेडागास्कर है या बोलीविया और जो स्थित नहीं है दैट इज अ मेडागास्कर ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अलाहाबाद होगा लाहौर होगा दिल्ली होगा या फिर बेलगांव और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है बेलगांव इज द राइट आंसर तो ये कब की गई थी 1924 में आपने पढ़ा होगा कि 1924 में आईएनसी के महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं और एक ही बार अध्यक्ष बने हुए हैं 1924 जब आपका आंदोलन होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है ठीक है लेकिन महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको निकाला गया और बाद में वो फिर आईएनसी के लीडर बन जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन एक बहुत बड़ी घटना घटती है कोमगाटा मारू ठीक है ये एक्चुअली में एक सिप था याद रखिएगा इस सिप का नाम था ये एक जहाज का नाम था जो जाता है कहाँ पर कनाडा तो कनाडा में इसको क्या किया जाता है कि स्टॉप कर लिया जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो जब ये पहुंचा कनाडा उसी समय एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 वाला और ये बोला गया कि इस जहाज में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो कि कनाडा uh, में जाकर के क्रांति शुरू कर देंगे रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे ठीक है तो अंग्रेजों ने इसको रोक दिया तो जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट नाइनटीन फोर्टीन इज द राइट आंसर और ये जो होता है लेटर लीड याद रखेगा बाद में क्या करता है लेटर लीड दैट वॉज एक मूवमेंट लीड करता है गदर मूवमेंट ठीक है तो इसी के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है जिस आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं गदर आंदोलन ठीक है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला सवाल है द एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड नियर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी तो एलिफेंटा द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है चेन्नई में है पोर्ट ब्लेयर में है मुंबई में है या फिर कोचिन में इसका उपयुक्त आंसर आप क्या बताएंगे जरा ठीक है सो इसका उपयुक्त आंसर बताइए चेन्नई पोर्ट ब्लेयर मुंबई या कोचिन और इसमें जो सही आंसर है मुंबई इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज राइट एलिफेंटा द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं एलिफेंटा और एलिफेंटा एक्चुअली इसका ओल्ड नेम कुछ और हुआ करता था मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है अगर आपको याद आता है तो जरूर बताएगा इसका पुराना नाम कुछ और ही था और ये जो बिल्ड था किसके द्वारा बिल्ड बाई राष्ट्रकुटाज तो इसका जो निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था बिल्ड बाई राष्ट्रकुटाज ठीक है तो राष्ट्रकूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था ठीक है अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल टाइम जोन ठीक है तो भारतीय मानक समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय के बीच में कितना अंतर है यह आपको बताना है सो आई होप की दर डिफरेंस इज क्लियर और ये जो डिफरेंस है वो कितने का है पाँच घंटे तीस मिनट का ठीक है सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन वन इज़ राइट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इज निक नेम्ड एज दैट इज अ नारैल एक्सप्रेस तो निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को का जो उपनाम है वो नरेल एक्सप्रेस है सोए अख्तर है मशरफे मुर्तजा हैं ए बी डे हैं और स्टीव स्मिथ हैं ठीक है सो तो इसका सही आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन को प्रमोट करेंगे और इसमें जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट दैट इज आ मुशरफ मुर्तजा इज द राइट आंसर ठीक है तो ये याद रखेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट ठीक है मेड बाई मुगल एम्परर वॉज बिल्ट टू कॉमोमरेट अ विक्ट्री तो इनमें से कौन सा स्मारक एक मुगल सम्राट द्वारा एक जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था ताजमहल है शाही ब्रिज है बुलंद दरवाजा है और सीस महल है सो so, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट बुलंद दरवाजा और ये बनो इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज द विक्ट्री गेट ठीक है gate, इसको विक्ट्री गेट के नाम से भी बोलते हैं और आई होप कि आपको मालूम हो सो बिल्ट बाई अकबर ठीक है तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया और अकबर ऑन गुजरात विक्ट्री टू कमोमरेट द गुजरात विक्ट्री तो गुजरात को की विजय को याद करने के लिए इसका निर्माण किया गया और जो गुजरात की विक्ट्री हुई थी यह हुई थी पंद्रह में अगला सवाल है आपका कि नटवरी नृत्य इज ऑल्सो नोन एज तो नटवरी नृत्य को हम लोग निम्नलिखित में से किसके नाम से भी जानते हैं डांस ऑफ कृष्णा डांस ऑफ साउल डांस ऑफ शिवा या फिर डांस ऑफ दुर्गा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है डांसिस ऑफ कृष्णा इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन तो याद रखिएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम कल्याण का एक उद्देश्य नहीं है श्रम कल्याण का एक उद्देश्य नहीं है यह पूछा गया है प्रोवाइड सोशल कम्फर्ट टू एम्प्लॉय कर्मचारियों को सामाजिक सुविधा प्रदान करना ठीक है ये पहला कर्मचारियों को आ, सामाजिक सुविधा प्रदान करना दूसरा है सपोर्ट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्लॉइज कर्मचारियों के समग्र सुधार का समर्थन करना तीसरा है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इनडायरेक्टली टू द इम्प्लॉयज और चौथा है टू इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेबर तो इसमें जो सही आंसर टिक करने जाएंगे ठीक है जो करेक्ट आंसर आप टिक करने जाएंगे यानी कि जो राइट right आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरीटरीज हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा तो निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरीटरीज का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है तो देखो लोकसभा में तो आपको मिल जाएगा एक्चुअली में तीन का मिलेगा आपको पुडुचेरी का मिल जाएगा ठीक है हाँ इसका मिल जाएगा पुडुचेरी का और दिल्ली का भी मिल जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर का भी मिल जाएगा तो इसमें जो दिया गया है आपको क्या दिए गए तीन का है है ना तीन का है अब इसमें से जम्मू कश्मीर तो है नहीं कहीं और दिल्ली भी नहीं है पोटुचेरी है ठीक है सो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला सवाल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड तो भारतीय विज्ञान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित दोस्तों देखो जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सभी को बोलूंगा कि एक बार फटाफट दोबारा से, से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये जो संख्या है ये बहुत ही कम संख्या है मुंबई है बेंगलुरु है चेन्नई है या कोलकाता निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ठीक है और इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड बेंगलुरु इज द राइट आंसर ठीक है तो ये इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेस्ड तो निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से सुमेलित है तो आर्टिकल उन्नीस बी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन उन्नीस ई राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ठीक है तो पहला बी बोल रहा है कि भाई व्यापार करने की स्वतंत्रता ई e बोल रहा है कि मतलब एक एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता जी बोल रहा है राइट टू असेंबल पीस हाँ बलाई ठीक है विदाउट आर्म्स और ये ए में बोला गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जो सही मिलान हुआ है वो कौन सा है नाइनटीन ए जिसकी बात की गई है राइट right टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज राइट अगला सवाल है कि व्हाट वाज या इज एन इम्पोर्टेंट व्हाट वाज या इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लखनऊ पैक्ट तो पूछा गया है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ का जो समझौता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था Uh, इसमें यह पूछा गया है आपका तो इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ठीक है इसका सही आंसर जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है दिस रिफर्ड टू द देशनल रीयूनियन ऑफ लिबरल एंड हैंडलाइन हाँ कल्टिस्ट ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड ठीक है अगला सवाल है अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स कैन नॉट एम्प्लॉयड आर्टिकल ट्वेंटी फोर में बोला गया है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कैसा है प्रोहिबिटेड है हम लोग चाइल्ड लेबर को अलाउ नहीं करते और ये तो आई एल ओ के द्वारा भी फिक्स किया गया है कि भाई आई एल ओ चाइल्ड लेबर को बैन करता है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है येस वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सो जो चौदह साल से कम उम्र का कोई भी लड़का याद रखेगा किसी भी फैक्ट्री या माइन या इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता ठीक है जो कितने में परिभाषित है आर्टिकल चौबीस में और उसी को लेकर के जो कैलाश सत्यार्थी साहब थे उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च किया बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर से बाहर निकाला उनको स्कूलिंग्स कराई और इसी वजह से उनको 2014-15 में नोवल प्राइज से सम्मानित किया गया और इनका एनजीओ का जो नाम था वो भी जरूर पढ़ के जाएगा दरिजा बचपन बचाओ अब देखो क्या यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग है सो डोंट वरी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज को और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं उसके लिए ट्वेंटी फाइव टीचर्स के याद रखिएगा सेवनटीन प्लस वीडियो कोर्सेज साथ में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट और स्टडी पी डी एफ नोट किस तरीके से आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्वायु की सभी लोग अपनी स्क्रीन पर सेशन तो देख ही पा रहे होंगे तो जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सो so, इसमें आप ये अटेंडेंस जरूर कर दें ठीक है सेशन को हो सके तो शेयर भी जरूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो बेल आइकन हिट कर लीजिएगा सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अगर गाइज यहाँ पर मेरे हर एक सेशन की आपको पूरी कम्प्लीट प्ले मिल जाएगी ये मास्टर क्लास की लिंक जो तीन बजे होती है ये सुपर कोचिंग कोर्सेज है ठीक है तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फिफ्टी तक का डिस्काउंट है ठीक है सो इस तरीके से सर्च करना है और ये पंकज गोयल सर आर के रमन सर देवेंद्र सर ठीक है राज कमल सर और बाकी अदर फैकल्टी एजाज जोगेंद्र शेखावत और किशोर यादव सर साथ में नॉन टेक्निकल के भी टीचर्स हैं ठीक है so, सो नॉन टेक्निकल कोर्सेज को भी आप पा सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे डाउट सेशन रिविजन सेशन पी और स्टडी सेशन ये भी अवेलेबल है सो so, इनमें से किसी एक प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें अप्लाई कूपन कोड में जाइए और अप्लाई कूपन कोड में यूज करना है दैट इज़ आर एस एच आई वी ठीक है ठीक है और इसको अप्लाई कर देना है सो so, जैसे ही अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द फुल हैवी डिस्काउंट और सभी जो ऑफर्स हैं ये यहाँ पर प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला यस yes. पूछा गया है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्वड ऑन रिफ्यूजी so, डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर इसमें जो है याद रखिएगा ऑप्शन वन बीस जून है ऑप्शन टू इक्कीस जून ठीक है तो so, इसको हम लोग मनाते हैं योगा डे और इसका इस बार थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी योगा फॉर ह्यूमैनिटी अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे फॉर इक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया तो इसलिए आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा एक्ट है 1955 और इसमें बताया गया है आर आर फाइव वेज टू अडॉप्ट सिटीजनशिप तो कितने तरीके हैं पांच तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं बाई बर्थ कर सकते हैं ठीक है हाँ बाई डिसेंट बाई रजिस्ट्रेशन बाई नेचुरलाइजेशन और बाई इनकॉर्पोरेशन तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है तो डेप्रिवेशन नहीं है uh, याद रखेगा इट इज अ वे इट इज अ वे टू लूज द सिटीजनशिप ठीक है अगला सवाल है इन्विंटर्स द इडल ऑफ श्री बद्रीनाथ इज notionally ट्रांसफर्ड टू which प्लेस तो सर्दियों में श्री बद्रीनाथ बद्रीनाथ की मूर्ति को किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है वैष्णव टेम्पल जोशी मठ नरसिम्हा मंदिर और आदि टेम्पल ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज राइट सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है नरसिम्हा टेम्पल और जोशीमठ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना बी एस तो बी एस बोलते हो या फिर इसको बी एस थर्टी बोलते हो या फिर इसको सेंसेक्स भी बोलते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट ठीक है इस्टेब्लिशमेंट है 1975, 1875, हेडक्वार्टर है मुंबई एनएससी या फिर एन एस या फिर निफ्टी तो इस्टेंट इस उन्नीस सौ चौरानवे और हेडक्वाटर मुंबई तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट 1875 ठीक है ऑप्शन फोर इज राइट यस जतिन वेरी गुड आफ्टरनून अगला क्वेश्चन द मिनिमम रिजर्व टू कैप्ट बाय आरबीआई और इशू द करेंसी इज तो आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई जो करेंसी इशू करता है उसके पीछे कुछ कॉजेज होते हैं ठीक है जब भी करेंसी इशू करता है आरबीआई तो उसके पीछे कॉजेज होते हैं डिमांड एंड सप्लाई सबसे पहला दूसरा हाउ मच ओल्ड रुपीज डिस्पोज मतलब कितना जो पुराना करेंसी है वो डिस्पोज किया गया है ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कितना पैसा चाहिए जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो जाए और सबसे लास्ट ऑप्शन है स्टॉक ऑफ गोल्ड ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा तो आर किसी भी आ, आर्थिक परिस्थिति को बियर करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अपने पास एक अमाउंट रखता है 200 करोड़ रुपए में याद रखिएगा क्या होता है गोल्ड होता है ठीक है 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ का याद रखिएगा फॉरेन वेल्थ होता है यानी कि फॉरेक्स रिजर्व होता है तो 85 करोड़ का फॉर रिजर्व और वन वन फाइव का गोल्ड ठीक है अगला सवाल है कि इन विच केस भगत सिंह वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड एग्जीक्यूटेड बाई ब्रिटिश तो ये तो मा, मालूम होगा ना तेईस मार्च नाइनटीन थर्टी वन शहीद दिवस जब इनको फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह राजगुरु ठीक भागा, है okay. so इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है यस दैट इज सेकंड इज करेक्ट ठीक है सेकंड लाहौर कॉन्स्प्रेसी केस ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उच्चारण किया है सो दट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था सबसे लंबे समय तक चला सबसे बड़ी रिपोर्ट इसमें पब्लिश की गई सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी और ये कौन सा है केशवानंद भारती ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एक्टिव वेल ऑन अर्थ तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये आ, ओजोस डेल सला आ, सलाडो है कोटोपैक्सी है सांता मारिया है या फिर माउंट होड है और इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन वन इज राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सर्व शिक्षा अभियान ठीक है और प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा कौन सा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है डिग्री चाहिए बारहवीं पास दसवीं पास या फिर आठवीं पास ठीक है so, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है एट्थ पास इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल है uh, शीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो मध्य प्रदेश में बिहार में झारखंड में या छत्तीसगढ़ में इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको कि विच ऑप्शन इज राइट सो so, ये जो वन्यजीव प्राणी अभ्यारण है ये कहाँ पर स्थित है दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज तो निम्नलिखित में से क्या एक गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है ग्रे व्हेल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है पिगमी हॉग है या लेदर बैक टटल है में क्या एक गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है और इसमें से जो सही आंसर ऑप्शन वन दट इज अ ग्रे फेल ठीक है चलिए अगला सवाल है द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू रन इंटायरली ऑन सोलर पावर इज भारत में संपूर्णतया सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप है uh, पुडुचेरी है या पौंडुचेरी है दमन और दीव है और लक्षद्वीप है ठीक है So, इस में से सही आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे और दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो ये याद रखिएगा भारत में जो सौर ऊर्जा पर चलने वाला बन गया है वो कौन सा है दमन एंड दीव इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अगला सवाल है कि द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ टोटल ओजोन अबंडेंस इन अ वर्टिकल कॉलम थ्रू अर्थ एटमोस्फियर इज ठीक है तो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से एक लंबवत स्तंभ में कुल ओजोन बहुतायत का सबसे सामान्य माप क्या है डॉप्शन की एक यूनिट है एडवर्ड यूनिट है थॉमसन यूनिट है या फिर पॉलसन की इकाई है सो so, इसमें से राइट आंसर क्या होगा ठीक है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है आपका कि भारत में विरासत स्थलों के संरक्षण और संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी प्रगति और हृदय प्रसाद या अमृत सो so, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड हृदय इज द राइट आंसर आपने पढ़ा होगा हेरिटेज रिज्यूविनेशन डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना ठीक है और इसमें जो भी हमारे देश की हेरिटेज साइट है उसके लिए ही लॉन्च की गई थी ठीक है थीके? और ये तो स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट था अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा ठीक है सो हृदय इज द राइट आंसर ठीक है और ये जो भी आपके होली साइट्स थी ठीक है तो जो भी आपकी होली और पाया साइट्स हैं उनको आ, मतलब कनेक्ट करने के लिए था ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जी डी पी ऑफ इंडिया तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जी डी पी में सबसे अधिक योगदान देता है सर्विस uh, सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है या फिर निम्नलिखित में से कोई भी नहीं और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वन इज़ राइट ठीक है सर्विस सेक्टर इज करेक्ट ठीक है तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज़ राइट ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पूछा गया है कि जो ईतांग की नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है ईतांग की पूछा गया है ईतांग की मिजोरम मेघालय नागालैंड या त्रिपुरा सो ये कहाँ से बिलोंग करता है नागालैंड से और नागालैंड का हॉर्न बिल भी पढ़ना है जो काफी इंपॉर्टेंट है अगला सवाल स्वदेशी आंदोलन कहां से जुड़ा हुआ है 1903 है 1905 है 1907 है या 1909? 1903, 1905, 1907 या 1909? ठीक है जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है स्वदेशी आंदोलन आफ्टर बंगाल पार्टीशन तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए आफ्टर बंगाल पार्टीशन और बंगाल पार्टीशन कब हुआ था सो so वो भी बहुत क्लियर होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में ठीक है लॉर्ड कर्जन के समय में ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव बीन इन्वॉल्व इन द बैटल्स ऑफ पानीपत तो पानीपत की लड़ाई में कब हुआ था तो देखो पानीपत में हम लोग तीन बैटल्स पढ़ते हैं देर आर टोटल थ्री बैटल्स इन द पानीपत पहला पढ़ते हो 1526 जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ फिर पढ़ते हो 1556 जो बाबर और सॉरी अकबर और हिमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ थर्ड वन इज दिन सिक्सटी वन जो मराठा और एहसाय अब्दाली के बीच में हुआ तो निम्नलिखित शासकों में से कौन पानीपत की लड़ाई में शामिल थे ठीक है तो देखो अगर इसमें देखा जाए तो बाबर भी थे अकबर भी थे हेमू विक्रमादित्य भी थे मराठा भी थे और एहसाय अब्दाली तो टोटल तीन हुए हैं ना ठीक है अगला सवाल है कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्र के तट के आधार रेखा से कितनी दूरी पर फैला हुआ है सो इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड इन टू द सी टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल लाइन तो कोस्टल लाइन में देखा जाए तो हमारे टोटल नौ स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन को कनेक्ट करते हैं जिसमें से सबसे बड़ी है मतलब कोस्टल लाइन गुजरात की उसके बाद आंध्र प्रदेश फिर सबसे छोटी गोवा की और ये जो टोटल हमारी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं वो कितनी 12 नॉटिकल माइल्स ठीक है ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज राइट अगला क्वेश्चन है वेयर इज द रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड तो रेलवे अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन कहाँ पर है नई दिल्ली में बेंगलोर में पुणे में या लखनऊ में और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है लखनऊ इज़ द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन फोर इज़ राइट ठीक है अगला सवाल है मोहम्मद गौरी को ग्यारह में किस शासक ने हराया था तो ये uh, तराइन का है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मौर्य चालुक्य चाहमान या गढ़वाल ऑप्शन थ्री तो आपको मालूम है इसमें इस कौन थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड अगला सवाल है कि द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल इन इंडिया कॉन्टीन्यूअस वॉल इन इंडिया द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज एट विच फोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट है वो चाइना वॉल है चाइना की दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी है ये सेकेंड बुच हो गए तो इसमें जो राइट right आंसर है दैट इज अ कुंभलगढ़ ठीक है दैट इज अ ऑप्शन इज चित्तौड़गढ़ नहीं है दैट इज अ कुंभलगढ़ ठीक है सो ऑप्शन वन इज राइट ठीक है यस किमजोंग साहब नमस्कार सोज so गाइज ये था आज का आखिरी सेशन मतलब आखिरी नहीं मतलब आज का सेशन और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सो आई होप यू लाइक इट कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि सेशन कैसा लगा और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और जब भी इनरो करें सो यूज द कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पी डी एफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेट्स ऑफ सर बुक इस शेड्यूल को आप फॉलो करते रहिएगा अभी तीन बजे आपकी मास्टर क्लास होगी टेक्स बुक एप्लीकेशन में तो उसको भी जरूर ज्वाइन करिए और बाकी इन कीजिए टेक्स बुक सुपर कोर्सेज को बाई यूजिंग इन द कोड एस एच आई वी के टी ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज ठीक है थैंक यू सो मच हाँ इतना छोटा क्लास का मतलब क्लास कितने का होता पचास मिनट या एक घंटे का मैराथन सेशन थोड़ी है ये यस yes, बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं जरूर क्वालिफाई करो जल्दी ही एस बनो ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच हेलो